आप लोगों ने चेक नहीं किया? मैम मेरा हिंदी में 12th चैप्टर नहीं हुआ हुआ है। क्यों नहीं हुआ हुआ है? टेल मी द रीजन। आपके मैम ने सेंड नहीं करा? मैंने देखा था पर मेरे नहीं आया। इनविजिबल तो हो नहीं सकता सना। If I am sending something, बाकी बच्चों को मिल रहा है तो आपके उस पे क्यों नहीं आता है? मैम आपने कौन सी डेट को भेजा था? डेट मैंने सारी व्हाट्सएप पे सेंड की हुई है आपके ग्रुप में कि कौन सी डेट को कौन सा काम भेजा हुआ है। यू कैन चेक देयर। ओके मैम। अभी तक का जितना वर्क है सब आपको बता दिया गया है कि कौन सी डेट पे क्या भेजा हुआ है, आपको वहाँ पे चेक करके कंप्लीट करना है। ओके नाउ आई एम स्टार्ट क्लास। अगर आप लोगों का फिफ्थ ई तक कंप्लीट नहीं है तो आप लोग पेजेस लीव कर लेना जितने। ओके अब हैंड्स डाउन कर लो। ओके नाउ आई शेयर द स्क्रीन। जिसका नोटबुक में वर्क कंप्लीट है वो नोटबुक में करना, और जिसका नोटबुक में कंप्लीट नहीं है प्लीज ब्रिंग योर रफ नोटबुक टू डू टुडेज वर्क। आज हम लोग थ्री डिजिट नंबर के साथ डिवीजन करेंगे। फिफ्थ ई में हमने टू डिजिट है। फोर ई तक बेटा, फिफ्थ ए फिफ्थ बी ये तो आपको टेक्स्ट बुक में ही करवाया था, उसके बाद की जो एक्सरसाइजेस थी वो आपको नोटबुक में करने के लिए बोली थी। क्लियर? नोटबुक में किया बुक में। तो अभी तक आपको फिफ्थ ई तक का सारा काम आपको वीडियो अपलोड करके भेज दिया गया है। आप लोग प्लीज जो भी आपको व्हाट्सएप वीडियो पे मैंने नहीं व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज भेज के लिख के भेजा है कि कौन सा काम कब भेजा है, वहां से आप अपना काम पूरा फिफ्थ ई तक कंप्लीट कर लेना। फिफ्थ एफ मैं आज करा रही हूँ और इसका पीडीएफ भी मैं आज सेंड करूंगी। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? Yes, तो आप प्लीज अपने पेरेंट्स को बोल के जिनके पास भी फोन रहता है उनसे बोलना एक बार दिखा दे कि कौन सी डेट पे स्टूडेंट पोर्टल पे कौन सा काम आया हुआ है, और उसमें ये भी मेंशन है कि कौन सी चीज आपको नोटबुक में करनी है और कौन सी टेक्स्ट बुक में करनी है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो टुडे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ एफ। मैम पेज नंबर कौन सा? दिस इज पेज नंबर 116। लेकिन आज हमें टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं करना है, हमें यही सारे क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं। क्लियर? इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही मैसेज डाल दिया था कि आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठना। तो आज हम लोग डिवीजन करेंगे थ्री डिजिट नंबर से। देयर आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये प्लीज दिस इज डिवीजन बेटा। डिवीजन में फिफ्थ एफ एक्सरसाइज है। क्लियर? अब यहाँ पे टू टाइप्स के क्वेश्चंस है। फर्स्ट वाले में सिक्स क्वेश्चंस गिवन है, इस सिक्स के सब पार्ट्स हैं जिसमें आपको सिर्फ डिवाइड करना है थ्री डिजिट नंबर से, और क्वेश्चन सेकंड में डिवाइड करना है एंड देन यू हैव टू वेरीफाई। क्लियर? इट मींस कि आपको चेक भी करना है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं है। मैम रफ कॉपी में करना है। आपका अगर नोटबुक में वर्क कंप्लीट नहीं है देन यू हैव टू डू इन रफ नोटबुक, बाद में आप उसमें कॉपी कर लेना। क्लियर? यस।
कोई कुछ पूछ रहा है? बेटा बहुत धीरे आवाज आ रही है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा आप क्या बोल रहे हो। Who is asking the question? Okay. अब नोटबुक में जिसमें भी आप काम कर रहे हो आज की डेट लगा लो। टुडे इज 27/11/2020। क्लियर? अब सबसे पहले डिवाइड जब करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसको कैसे करना है, उसके बाद में आप उसे करना शुरू करना। यहाँ पे हम 3-digit नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमें 3 की टेबल में देखना है कि 373 कब आता है। अब इतना बड़ा तो हम करते नहीं है, हम हमेशा 3 10s are 30 यहीं तक स्टॉप कर देते हैं टेबल्स, जो हम टेबल्स लर्न करिए उसमें। तो इतना बड़ा नंबर जब हमें डिवाइड करना होता है तो हम उसमें एक एक डिजिट को लेके फिर डिवाइड करते हैं। क्लियर? आप फर्स्ट वाला देखो, 373 divided by 3। तो यहाँ पे क्या करना है, 373 तो डिविडेंट है, डिविजन में आपको पता होना चाहिए डिविडेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट एंड रिमाइंडर क्या होता है। क्लियर? सो 373 इज द डिविडेंट एंड 3 इज द डिवाइजर, दीज टू थिंग्स आर गिवन हियर। ये दो चीज हमें क्वेश्चन में हमेशा दी हुई होती है। फिर जो फर्स्ट नंबर है इसका, 3-digit नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है, दैट इज 3। 3 की टेबल में 3 कब आता है? 3 1s are 3। 3 मैम 1 तो 1 हमने ऊपर लिख दिया पहले, और 1 लिख के यहाँ 3 के जस्ट नीचे 3 लिखेंगे, फिर 3 minus 3, 3 में से 3 माइनस किया कितना बचा? 0। Then we take another number. अब हमने second number लिया, ये है 3-digit number में से पहले वाले number को हम solve कर चुके हैं। अब हम second digit लेंगे, that is 7. 7 नीचे लिया। अब हमें 3 की table में देखना है कि 7 कब आता है, और अगर 7 नहीं आता तो 7 से छोटा number कौन सा आता है 3 की table में। क्लियर? तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। Yes. two बोलने पर आया। 3 2s are 6 आ गया, क्योंकि 3 3s are 9 होता है, और 9 7 से बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 2s are 6, हमें वो ही नंबर लिखना होता है, या तो सेम नंबर आना चाहिए उस टेबल में, या फिर उससे छोटा आना चाहिए। सना सुन रहे हो बेटा? यस मैम। तो 7 में से फिर हमने 6 को माइनस किया, यहाँ पे बचा 1। अब हम लोग 3-digit में से जो बचा हुआ नंबर था 3 लास्ट का, उसको नीचे ले लेंगे। तो आगे 1 बचा हुआ था, और 3 लेते ही वो 13 बन गया। अब हमें देखना है 3 की टेबल में या तो 13 कब आता है, या 13 से छोटा नंबर। तो कोई 3 की टेबल बोलेगा? मैम मैं 3 बोलो। मैम 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। यस, वेट वेट, अब 3 5s are 15, 15 13 से बड़ा नंबर हो गया, तो हम यस मैम 3 5s are 15 नहीं लेंगे, 3 4s are 12 लेंगे। जो भी मतलब हम ले रहे हैं उसमें किससे मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ रहा है वो हम यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे जो नंबर आता है इसको हम कोशेंट बोलते हैं। तो 3 4s are 12, 13 minus 12 1। अब रिमाइंडर में 1 बच गया, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिवाइजर दिया हुआ है, मतलब जिसकी टेबल से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डिविडेंड को, उससे अगर छोटा नंबर नीचे बचता है हम वहां पे क्वेश्चन को एंड कर देते हैं। क्लियर? रिदम माथुर, पे अटेंशन इन द क्लास। रिदम माथुर,
पे अटेंशन. सो वन थ्री से छोटा है. यस मैम. थ्री की टेबल में थ्री से छोटा नंबर तो आ नहीं सकता, नहीं आता ना, तो वन हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. क्लियर. तो ये ए वाला डिवीजन आपको समझ में आ गया मैम? यस. ये काम आप स्टूडेंट पोर्टल पे भेजोगे? मैं उस पे भेजूंगी, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग जो डिजिट्स है वो सारी चेंज कर देंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कैसे करना है. तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे कि डिवीजन कैसे करते हैं, और फिर बाद में आप अपने नोटबुक में वर्क कर लेना. क्लियर. एग्जाम में जो हम आपको नंबर्स देंगे, जैसे यहाँ पे 370 डिवाइड बाय 3 है, सपोज हम लोग 373 की जगह 473 दे देंगे, और यहाँ पे 3 की जगह 8 की टेबल दे देंगे, तो आपको खुद ये चीज करनी है. जब आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, और उसके लिए आपको टेबल्स आना बहुत जरूरी है. टेबल्स लाने आप लोगों को 15 तक. किसी को ठीक है, एक पर्टिकुलर जूम क्लास मैथ्स की मैं सिर्फ आपसे टेबल्स पूछने के लिए ही लूंगी, जिसमें मैं हर बच्चे से 15 तक की टेबल पूछूंगी. क्लियर. नाउ कम टू बी. 220 डिवाइडेड बाय 5. अब इसके देखना, जो हमने ए करा था उसमें और इसमें छोटा सा डिफरेंस है. 5 की टेबल में अब यहाँ पे 220 लिखा हुआ है. क्लियर. 220 हमें उसे डिवाइड करना है 5 से. तो 5 की टेबल में 2 आता है क्या? नो. अब 2 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, उसके बाद वाला जो नंबर है वो भी साथ में ले लेंगे. क्लियर. मतलब हम लोग सिर्फ इस 2 को पहले नहीं लेंगे, हम ये दो नंबर एक साथ ही ले लेंगे. तो 5 की टेबल में 22 आता है. यस मैम. 22 आता है 5 की टेबल में? No, man, no, man. तो 22 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है? सम्यक, व्हाट हैपेंड? 21. कौन सा नंबर? 21. 25 की टेबल में तो 21 नहीं आता है मैम. 20. 5 4 20. तो 22 में से फिर 20 को माइनस करोगे तो 2 बचेगा, और फिर अभी जो ये पीछे 0 बचा हुआ है इसको हम नीचे ले लेंगे, तो ये 2 के पास 0 आते ही 20 हो जाएगा. क्लियर. नाउ अगेन 5 4 20, और फिर 20 में से 20 माइनस किया, व्हाट यू विल गेट? मैम 0. 0. तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 ही बचा. क्लियर. तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना जब भी डिवीजन करो. किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो. सॉरी, डिवीजन फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला? यस मैम. फर्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है? एक एक डिजिट लेके मैम स्क्रीन सही से नहीं दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही किसको? मैम मुझे आर्यन सही से नहीं दिख रही मैम. दिख तो रही है पर एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा है. एक आंसर बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है. तो बेटा आपने जूम पे क्लिक कर रखा होगा. आप किस पे, लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो या फिर मोबाइल पे? लैपटॉप. लैपटॉप पे ले रहे हो तो उस पे आपने जूम वाले पे क्लिक कर दिया होगा, तो आप उसको वापस से मिनिमाइज कर दो. Yes, ma'am. हो गया सही? Yes, who is saying yes, ma'am? मैं सौरेश, आपने कुछ बोला था ma'am. हाँ, yes, सौरेश, आपको डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है अभी? आप कल मेरे को बोल रहे थे कि आपको डिवीजन समझ में नहीं आ रहा. Yes, ma'am, डिवीजन समझ ही नहीं आया ma'am. अभी तो मैंने आपने... Yes? आपने उस दिन वर्क भेजा था ना ma'am, डिवीजन का? फिफ्थ ई एक्सरसाइज. Yes, ma'am. फिफ्थ ई में हमने 2 डिजिट नंबर से नंबर को डिवाइड किया था. यहाँ पे हम 3 डिजिट, मतलब उससे ज्यादा बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हैं. पैटर्न इज ऑल, मतलब टोटली सेम,
पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी टू डिजिट होता है तो भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं, थ्री डिजिट होता है तो भी ऐसे ही करते हैं, और अगर फोर फाइव डिजिट के नंबर भी होंगे तो भी हम सेम मेथड से ही डिवाइड करेंगे. क्लियर? अभी जो मैंने ए और बी समझाया वो क्लियर हो गया? यस मैम. नाउ सी वाला देख लो एक बार. मैम ये समझ नहीं आया ऊपर वाला 373 और ये वाला बस 373 वाला. हम लोगों को यहाँ पे 3 की टेबल से 373 को डिवाइड करना है. क्लियर? तो हमारी जो टेबल चलेगी वो 3 की चलेगी. हमें देखना है कि जो भी नंबर है वो 3 की टेबल में कब आता है. तो आप अगर ये देखोगे कि 3 की टेबल में 373 कब आता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा नंबर हमें पता ही नहीं है कि कब आएगा. तो हम क्या करते हैं, एक एक नंबर को लेके डिवाइड करते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट नंबर 3 दिया हुआ है, तो 3 1 3 होता है, तो ये 3 1 हमने ऊपर लिख दिया कोशेंट वाली जगह पे, और यहाँ पे 3 लिख दिया. फिर 3 में से 3 माइनस करा 0. फिर हमने सेकेंड नंबर को नीचे ले लिया, क्योंकि हमें पूरा नंबर डिवाइड करना है, हमें सिर्फ ए की डिजिट तो डिवाइड नहीं करना है, पूरा डिवाइड करना है. फिर हमने 7 को नीचे ले लिया. अब 3 की टेबल में 7 कब आता है, अगर 7 नहीं आता तो उससे छोटा नंबर क्या आता है, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 बड़ा हो गया. तो 7 से छोटा नंबर क्या आया 3 की टेबल में, 6. तो 3 ये 2 कोशेंट की जगह पे लिख दिया, और 3 2 6. अब 7 में से 6 माइनस किया, 1 बचा, और अभी ये पीछे का एक नंबर बाकी है. मैंने एरो बना रखा है यहाँ पे कि आप एरो बना के फिर उस नंबर को नीचे ले लोगे. नाउ इट्स बिकम 13. अब हमें देखना है कि 3 की टेबल में 13 कब आता है. क्लियर? तो 3 की टेबल में 13 नहीं आता है, या तो 12 आता है या 15 आता है. क्लियर? 15 13 से बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पे 3 4 12 लिखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले को माइनस करना होता है. तो 13 माइनस 12 1. अब 3 की टेबल में 1 नहीं आता है, क्योंकि 1 3 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है. क्लियर? तो 3 डिवाइजर है, 373 इज द डिविडेंड. ये 124 जो ऊपर आंसर आता है वो क्वेश्चन कहलाता है, और ये जो नीचे जो बचता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं. रिमाइंडर मीन्स जो बची हुई चीज होती है उसको रिमाइंडर कहा जाता है. क्लियर? अब समझ में आ गया? ओके मैम. ओके, नाउ सी वाले को देखो. 322 डिवाइडेड बाय 7. अब जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो उसी की टेबल में आपको वो नंबर देखना है. तो पहले आप फर्स्ट नंबर देखो. 322 में जो फर्स्ट डिजिट है दैट इज 3. 7 की टेबल में 3 आता है क्या? 7 की टेबल में 3 आता है, हाँ या नहीं? मैम नो. नहीं आता. तो हम उसके बाद वाले नंबर भी साथ में ले लेंगे, 32. क्लियर? अब देखो 7 की टेबल में या तो वो नंबर जो 32 से छोटा है, या फिर वो नंबर मतलब सेम 32 ही अगर आता है, तो 7 की टेबल में 32 नहीं आता है, और 32 से जो छोटा नंबर है वो 28 आता है. क्लियर? यस मैम. 7 4 28, 7 5 35. तो हमने yes, 7 4 28 यहाँ पे लिख दिया. अब 32 में से 28 को माइनस किया तो कितना बचा? 4 बचा. और अब हम ये पीछे का जो 2 बचा था, 32 तो हमने पहले ही ले लिया था, अब ये जो 2 बचा उसको नीचे लिया, इट विल बिकम 42. और 7 6 42 हो गया. अब इस 42 में से 42 माइनस किया, रिमाइंडर विल बी 0. क्लियर? इसी तरीके से आप ये आगे वाले 3 क्वेश्चन भी करेंगे. 424 डिवाइडेड बाय 8, 745 डिवाइडेड बाय 6, 659 डिवाइड बाय 9.
ये आप लोग अपने आप करेंगे या फिर मैं इसका वीडियो सेंड करूंगी, आप उसमें देख के कर लेना। अभी मैं जो सेकंड क्वेश्चन है अपने फिफ्थ एफ का, मैं उसको भी एक बार क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि वहां पे हमें सीधे सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमें अभी जो डिवाइड किया था वैसे डिवाइड भी करना है, और उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, मैं इस चीज को एक बार क्लियर कर यस देती मैम। हूँ। तो हियर द नंबर इज गिवन 342 डिवाइड बाय थ्री, यस मैम। तो क्या करना है 342, अब थ्री की टेबल ही हमें लेके चलनी है। थ्री वन जा थ्री, थ्री में से थ्री गया जीरो, फिर हमने नेक्स्ट टाइम में फोर को नीचे लिया, अब थ्री की टेबल में फोर आता है, नहीं आता है ना, नहीं। तो थ्री की टेबल में तो अगेन ओ थ्री वन जा थ्री, फोर से छोटा नंबर थ्री हुआ, क्योंकि थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा। फिर फोर में से थ्री माइनस किया, वन बचा, अभी पीछे ये टू अभी बाकी है, फिर हमने इस बचे हुए टू को नीचे ले लिया, इट विल बिकम 12, 3 4 जा 12, 12 में से 12 गया जीरो, क्लियर। ये वाली चीज तो अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी करी थी डिवाइड। अब वेरीफाई में क्या करना है वो देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, जस्ट होल्ड ऑन, यस यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। डिविडेंड इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशियंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, और फिर इस जगह पे जो चीजें हैं, जैसे हमारा डिवाइजर क्या है थ्री, ये डिवाइजर हमने यहाँ पे लिख दिया थ्री, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कोशियंट से, कोशियंट मीन्स जो आंसर ऊपर आया हुआ है, क्लियर। 114 आया, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय 114 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचा था यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, कितना रिमाइंडर है, जीरो 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 प्लस जीरो। अब आप थ्री को 114 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट कितना आंसर आएगा 342, और उसमें जीरो को प्लस कर दो। अब 342 में जीरो प्लस करोगे तो कितना होगा, 342। आपके पास 342 टॉफीज है, मैंने जीरो टॉफीज और दे दी, तो आपके पास कितनी टॉफीज रहेंगी, 342। तो यहाँ पे ये 342। अब वेरीफाई में आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि ये लास्ट में जो नंबर आता है, ये नंबर और ये हमारा डिविडेंड, ये सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 342 की जगह आपका कोई और नंबर आ रहा है, तो आप समझ लो कि आपने कहीं पे मिस्टेक करी है, क्लियर। तो जब भी वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है कि हमें डिवाइजर से क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड करना होता है, क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, ये टू टाइप्स के क्वेश्चन ही है इसमें फिफ्थ एफ में, और आगे आपके डिवाइड डिवाइड से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। किसी को सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया वेरीफाई करना या डिवाइड करना, तो मुझसे आप पूछ सकते हो अभी। मैम आप स्टूडेंट पोर्टल पे भेजोगे का मैं स्टूडेंट पोर्टल पे भी भेजूंगी, मैं यूट्यूब के चैनल पे भी भेजूंगी, अगर आप लोग काम कर लो तो। और कहाँ भेजना है वो भी बता दो। काम? हाँ सना, लेकिन आपका तो स्टूडेंट पोर्टल ही वर्क नहीं करता है, अब उसका मैं क्या करूं। अब्दुल काम कर लिया? कौन सा वाला? कौन सा? फिफ्थ एफ। नो क्यों, नहीं। आपको समझ में आ गया? अभी जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया? यस मैम। मम्मी करना है अभी? ऑफ कोर्स बेटा, मैं हाँ अभी अभी करना है, आप लोगों को अभी समझना ज्यादा जरूरी है, अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। जस्ट होल्ड ऑन, एक बार मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ,
बिकॉज आई हैव टू टेक अटेंडेंस, अटेंडेंस लेके मैं वापस से इसको शेयर करती हूँ. एंड देन आई विल आस्क फ्रॉम यू, आप लोग मुझे बताओगे कि आगे वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है. ठीक है, एक बार आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेना, और जब भी अपना वीडियो ऑन करते हो उसे प्रॉपरली फोकस करके रखना. ये नहीं कि किसी का फैन दिख रहा है या किसी का पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है और आप लोग वहां पे हो ही नहीं स्क्रीन पे. क्लियर? अदरवाइज मैं जो अटेंडेंस भेजूंगी उसमें दूसरी ही चीजें दिखेंगी. एंड सिट प्रॉपरली इन द क्लास. जैसे आप क्लास में एकदम अटेंटिव होके बैठते हो वैसे आपको इस क्लास में भी अटेंटिव होके बैठना है. क्लियर? रिदम माथुर बेटा, yes, आप अपने कैमरे को सेट करो. आप बार बार उसमें मतलब क्लास में फोकस करना है, बार बार अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर उस पे फोकस नहीं करना होता है. अब जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं डिवाइड में किसको प्रॉब्लम आती है? डिवीजन में अभी भी प्रॉब्लम है वेदांशी? क्या चीज समझ में नहीं आई? वेरीफाई करना या डिवाइड करना? यस आयुष, व्हाट हैपन? आर्यन आपको समझ में आया? आर्यन अपने आप को अनम्यूट करके बोलो बेटा. मैम मुझे डिवाइड समझ में नहीं आया. डिवाइड समझ में नहीं आया? डिवाइड बेटा हम लोग मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ही करते हैं, हम लोग उसकी उसी की हेल्प से करते हैं. एक पहले मुझे ये बताना, ये MIA3 नाम से ये नीचे किस कौन है? किसने आज ये नई क्लास? अभी किसका आ रहा था यहाँ पे? क्या समझ में नहीं आया बेटा डिवीजन में? आप मुझे एग्जैक्टली बताओगे कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही? अभी मैंने जो डिवीजन डिवाइड कैसे करते हैं आप लोगों को नहीं पता चल रहा? यस मैम, तो अभी मैंने वापस से जैसे 373 था और उसको 3 से डिवाइड किया, आपको नहीं समझ में आया कि वो डिवाइड कैसे किया गया? मैम यस मैम, यूट्यूब चैनल पे होगा तो हम देखकर वहीं पे समझ लेंगे. वहां पे आप कैसे समझोगे? वहां आपको लिखा हुआ तो दिख जाएगा, लेकिन आपको एक बार अगर कंफ्यूजन है तो आप प्रॉब्लम क्या, कहाँ कंफ्यूजन है? जैसे सी दिस क्वेश्चन, ये आपको कर्सर दिख रहा है? सेकंड क्वेश्चन का बी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से सुनना. मैम यस मैम, आपके यूट्यूब का चैनल कौन सा है? बेटा मेरा मेरे नाम से ही है, आप यूट्यूब पे जाके सुमन भाकर नाम डालोगी तो वो ओपन हो जाएगा. मैम मेरे नहीं आ रहा है. मैंने एक फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला हुआ है, आप वहां पे एक बार चेक कर लेना कि वो कैसे ओपन होगा तो आपको क्या शो होगा. बेटा साम्या, ठीक है अब्दुल, आप एक बार यूट्यूब ओपन करके आप एक बार वो सेम देखना कि वो आपको सेम फोटो वाला आपको सुमन भाकर नाम से कौन सा दिखता है, फिर आप वहाँ ओपन कर सकते. चलो आप बाद में ट्राई करना, नहीं होता है तो मैं आपको पूरे प्रोसेस से खोल के बताऊंगी. ओके नाउ सी दिस B1. सॉरीश समझ में नहीं आया डिवाइड, मैं एक बार ये वाला सॉल्व करके बता रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना. सम्यक पे अटेंशन इन द क्लास बेटा. 355 नंबर यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है. क्लियर? इट मीन्स आपको 4 की टेबल में देखना है कि 355 कब आता है.
अब फोर की टेबल जब हम लोग देखते हैं तो फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, हम लोग फोर टेन जा फोर। If you are creating disturbance in between, बेटा, अगर आप लोग disturbance create करोगे, तो आप लोगों को ही समझ में नहीं आएगा। So listen carefully. तो four की table में हमें देखना है, तो आप ये देखो 355, three digit का number है, इसका पहला digit देखो, three लिखा हुआ है। Four की table में सबसे छोटा number कौन सा होता है? Four की table आती है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो छोटा नंबर क्या होता है? फोर वनजा क्या होता है? फोर वनजा फोर। फोर की टेबल में थ्री आ सकता है क्या? नो मैम, नो मैम, नो मैम। तो फोर की टेबल में थ्री नहीं आएगा, तो फिर हमें क्या करना है कि उसके बाद वाला नंबर भी आप साथ में ले लो। 35, थ्री के बाद फाइव लिखा हुआ है, तो आप इस 35 को देखो कि फोर की टेबल में 35 आता है और 35 नहीं आता, तो 35 से छोटा नंबर क्या आता है? 32 आता है। तो 8 का 4 8 का 32, तो 32 हमने यहाँ पे लिख दिया। इस 35 में से हमने 32 को माइनस किया, तो नीचे 3 बचा। क्लियर? अब पीछे क्या, 35 तो हम पहले ही ले चुके, ये 5 अभी बचा हुआ था, तो हमने इस 5 को नीचे लिया। अब ये 3 के बाद 5 लगने के बाद क्या बचा, क्या बना? 35 बन गया। नाउ अगेन 4 8 जा 32, फिर 32 वापिस से 4 8 जा 32। अब 35 में से हमने 32 माइनस किया, 3 बचा। अब 4 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, और 3 इस डिवाइजर से छोटा हो गया, मतलब 4 की टेबल में 3 आएगा नहीं, इसलिए हमने इसे रिमाइंडर को यहीं पे छोड़ दिया। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। और ये समझ में आ गया बेटा? यस मैम। अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? नो। अब हमें ये चेक करना है कि हमने जो आंसर लिखा है, मतलब हमारा जो लास्ट में रिमाइंडर बचा है या हमने जो सॉल्व किया है, वो सही है या गलत है, उसके लिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। मैम वो ऊपर 88 क्या है? 88 इज द कोशियंट, ये जो मल्टीप्लाई करने पे 4 88 जा 355। अब आपको नहीं पता था ना कि 355 4 की टेबल में कब आता है? 4 को 88 से मल्टीप्लाई करते हो तब 355 आता है। तो हमने इसे एक एक डिजिट लेके हमने इसे सॉल्व किया है। क्लियर? अब वेरीफाई करते हैं, तब हम क्या करते हैं, पहले डिवाइजर लिखते हैं। तो डिवाइजर 4 है, वो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, देन 88 डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशियंट। कोशियंट क्या है हमारा? ये जो आंसर ऊपर आया है, तो 88 हमने यहाँ लिख दिया और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 3 बचा था, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 4 को 88 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना तो आता है सबको, तो आप अपनी नोटबुक में 88 को लिख के 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 352 आएगा, और फिर पीछे ये जो प्लस 3 है वो प्लस 3 एज इट इज हमने लिख दिया। अब 352 प्लस 3 कितना होता है? 355। अब ये देखो, जो ये यहाँ 355 आंसर आया है और हमारा जो डिविडेंड था सेम है, यहाँ भी 355 लिखा हुआ है ना? हमने 4 को किससे डिवाइड किया था? 355 से करा था। यस मैम। और वेरीफाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आया? 355। यस मैम। इट मींस हमने जो सॉल्यूशन करा है वो सही है। और सपोज अगर यहाँ 355 की जगह कोई दूसरा नंबर आ जाता तो हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक होती। रेयान बेटा, आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है। रेयान अख्तर, निकाल कर तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया?
बाद में मत करो। यस मैम। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद आपको देख के करने की भी जरूरत नहीं है, आप इजीली मल्टीप्लिकेशन के थ्रू खुद कर सकते हो। क्लियर। और टेबल्स आप देखो, यहाँ पे ये 3 की टेबल है, यहाँ 4 की, 6 की, ये मतलब ऑलमोस्ट 10 से छोटी टेबल्स है सारी, यहाँ 7, 8, 9। अब आगे की जो एक्सरसाइज होंगी वहां पे आपको बड़ी टेबल से भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इजी से टफ की तरफ चलेंगे। क्लियर मैम? यस मैम, मेरे को एफ समझ में नहीं आया। किसका एफ? ये सेकंड क्वेश्चन का एफ। यस मैम, यहाँ पे लिखा हुआ है 890 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 की टेबल में आपको देखना है, आप पहला नंबर देखो, 8 लिखा हुआ है, 8 तो 9 से छोटा है, तो क्या करोगे, 89 आप पहले ले लोगे, मतलब उसका नेक्स्ट नंबर जो है उसको भी उसके साथ में ले लोगे। अब 9 की टेबल में 89 कब आता है, आता है क्या मैम? 89 नहीं आता मैम, नहीं आता। 9 9 81 होता है। तो यस मैम, 81। ये हमने क्वेश्चन की जगह पे 9 लिखा और यहाँ पे 81 हो गया। अब 89 में से 81 माइनस किया तो कितना बचा, 8। और अब हमने ये 0 नीचे ले लिया, जो 0 है उसको हमने नीचे ले लिया। यस, व्हाट हैपेंड? यस मैम, सबको म्यूट कर दो आप। मैम यस, मेको दा क्वेश्चन फर्स्ट का ई समझ में नहीं आया बेटा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में ए समझ में आ गया तो आपको उसके बाद बी सी डी ई किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि सब जगह पे आपको मल्टीप्लिकेशन ही मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालना होता है। 745 डिवाइडेड बाय 6, ये समझ में नहीं आया? Yes, ma'am. किसको नहीं आया, योगेंद्र को? वेदांशी। वेदांशी 745 है, पहला नंबर 7 है, 6 की टेबल में 7 नहीं आता है, तो 7 से छोटा नंबर 6 ही आता है, 6 6, तो हमने 6 यहाँ पे लिख दिया। देन 4 को हमने नीचे लिया, 7 में से 6 माइनस किया 1, और ये 4 नीचे लिया, 4 6 2 is 12, अब 14 माइनस 12 करा, 2 बचा, और अभी भी हमारे ये जो गिवन डिविडेंड है इसमें 5 बाकी है, तो हमने इस 5 को नीचे ले लिया, तो ये 2 और 5 मिलके 25 बना। अब 6 की टेबल में 6 4 is 24, 25 से छोटा नंबर 24 ही आता है, 25 आता नहीं है 6 की टेबल में, तो 25 माइनस 24 1। अब 1 6 से छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्लियर? यस मैम। मैम टाइम इज ओवर। यस आई नो दिस थिंग, टाइम इज ओवर। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, आज ये एक्सरसाइज मैं आपको भेज रही हूँ। यस मैम। साथ में आप लोगों का आज हिंदी की भी क्लास है, हिंदी में आप लोगों का कोर्स हो गया, तो आई विल सेंड सम क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, वो आप रफ में प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? ओके मैम। और 5th F तक आप कंप्लीट कर लेना मैथ्स का। ओके यस मैम। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Bye, 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 bye,